नमस्कार, जानेंगे कि इस कारोबारी सप्ताह कृषि फसलों यानी एग्री कमोडिटीज में क्या रुझान देखने मिल सकता है। तो शुरुआत एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स से करते हैं। वहां पर हमने देखा कि रिफाइंड सॉयल और सीपीओ में पिछले हफ्ते की जो शुरुआती गिरावट थी उसके बाद में एक रिकवरी देखने मिली। तो जो गवर्नमेंट ने जो हैवी इंपोर्ट ड्यूटी जो कट की है, कस्टम ड्यूटी में कट किया है 16% से 19% तक का, उसके बाद हमने देखा कि रिफाइंड ऑयल के प्राइजेस जो 1300 के करीब थे वो 1200 के करीब गए, लेकिन जो क्लोजिंग आई सप्ताह की वो 1260 के करीब देखने मिली नवंबर वायदा में। वहीं सीपीओ में हमने देखा कि 1090 तक के लोज देखे गए थे, लेकिन उसके बाद रिकवरी देकर 1130 पे क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। आने वाले हफ्ते में ऐसा लगता है कि एक बार फिर दोबारा एक हल्की सी गिरावट का दौर देखने मिल सकता है रिफाइंड ऑयल में, जहां पर दाम जो है वो 1230 से 1225 तक जा सकते हैं। इसके लिए इनिशियली उछाल पे बिकवाली यानी सेरोन रैलीज की सलाह होगी जब तक दाम 1275 के नीचे हैं, और डाउनसाइड में 1230 से 1225 के लेवल देखने मिलेंगे। वहीं पर सीपीओ में भी हमने एक अच्छा उछाल या एक अच्छी रिकवरी देखी है, लेकिन ऑन द होल जब तक 1150 के नीचे दाम स्टे करते हैं तब तक मुझे लगता है कि 1100 तक एटलीस्ट दोबारा जो प्राइजेस हैं वो आ सकती हैं और उसके आसपास आकर प्राइस संभलती हुई दिख सकती हैं। वहीं सोयाबीन में भी हमने 5350 के आसपास वायदा बाजार में क्लोजिंग देखी। ऊपरी स्तरों से हम लगातार दबाव देख रहे हैं और पिछले हफ्तों में हमने कवर किया है कि 5700 के नीचे जब तक रहेगी प्राइजेस तब तक डाउनसाइड मूव रहेगा। शॉर्ट टर्म बेसिस ऐसा लगता है इमीडिएट रेजिस्टेंस 5500 का है, उसके नीचे सेलून रैलीज की ही रणनीति होगी और डाउनसाइड में हालांकि लिमिटेड डाउनसाइड होगा, लेकिन 5200 से 5250 के लेवल दोबारा देखने मिल सकते हैं। वही बिनाला खलिया कॉटन सीड ऑयल केक में हमने दबाव देखा, 2350 से 2400 की रेंज थी और 2430 के करीब की क्लोजिंग आई है। ऐसा लगता है कि 2500 के नीचे जब तक प्राइसेस हैं तब तक सेलोन रैलीज कर सकते हैं और दोबारा 2300 के करीब के लेवल हमें देखने मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म रुझान जो है वो बिनाला खल में नीचे की तरफ बना हुआ है, हालांकि जो डाउनसाइड है वो भी लिमिटेड होगा और पोजिशनल व्यू से 2200 से ज़्यादा नीचे के लेवल फिलहाल देखने नहीं मिलेंगे ऐसा मेरा मानना है। वहीं M6 कॉटन में देखा गया है कि लगातार नई ऊंचाइयां प्राइजेस जो है वो छू रही हैं, 31500 के करीब की क्लोजिंग आई है, 32000 के काफ़ी करीब हमने प्राइस को जाते हुए देखा। तो ऐसा लगता है कि जो 32200 के टारगेट हमने पिछले हफ्तों में डिस्कस किए थे वो अचीवेबल है, काफ़ी नज़दीक है, लगभग यहाँ से 2 से 2.5% की और तेज़ी हमें आने वाले हफ्ते में दिखाई दे सकती है। डाउनसाइड में 30900 से 31000 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, हल्की सी भी गिरावट मिले तो 32200 के लक्ष्य के लिए बाय किया जा सकता है। वहीं जो सबसे ज़्यादा एक्शन जिस काउंटर में थी वो है ग्वार सीड और ग्वार गम, दोनों को ही हमने अपने रिस्पेक्टिव टारगेट्स को अचीव करते हुए देखा, जहाँ हमने ग्वार सीड में 6800 के स्तर की बात की थी वो अचीव होता हुआ दिखा और क्लोजिंग भी काफ़ी बढ़िया रही, 6700 के करीब नवंबर वायदा ने क्लोज दिया है। ऐसा लगता है कि ये तेज़ी जारी रहेगी और जो नेक्स्ट लेवल है 6950 से 7000 का वो आने वाले दिनों में हमें देखने मिल सकता है। वहीं ग्वार गम में जो 12450 का लक्ष्य डिस्कस हुआ था वो हासिल हो चुका है, 12500 पे क्लोजिंग भी है। ऐसा लगता है कि जो रैली है ये और एक्सटेंड होगी और नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 13200 का आने वाले कुछ दिनों के लिए लेके चला जा सकता है। कैस्टर सीड की अगर बात करें तो कैस्टर सीड में भी हमने 6700 के ऊपर के लेवल देखे थे और उसके बाद 6450 के करीब क्लोजिंग आई है। मुझे लगता है कि कुछ समय तक दायरे में कारोबार हो सकता है, यानी एक हफ्ते या 10 दिनों तक जो दायरा रहेगा वो 6600 से 6350 का होगा, लेकिन ओवरऑल जो निवेशक हैं वो डिप पे बाइंग अभी भी कर सकते हैं, 6800 के स्तर आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं, तो बाइंग ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है। वहीं मसाला कॉम्प्लेक्स में हमने धनिया में भी देखा कि जो 8200 के ऊपर के स्तर थे वो देखने मिले, 8170 के करीब की क्लोजिंग आई है। ऐसा लगता है कि जो तेज़ी का रुख हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो
आने वाले दिनों में देखने मिलेगा, और ये तेजी जो है वो जारी रहेगी। अपसाइड टारगेट पोजिशनल व्यू से 8,350 से 8,400 का होगा, तो करंट प्राइसेस पे ये हल्की सी गिरावट मिले 50 से 60 रुपए की, वहां पर खरीदारी की जा सकती है। और अपसाइड में 8,350 से 8,400 के एक पोजिशनल टारगेट यानी 2 से 3 हफ्ते का व्यू लेके चला जा सकता है। तो ये था एक जायजा कि कृषि फसलों में क्या रुख रह सकता है। धन्यवाद।